हेलो दोस्तों स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोले तो एफ ट्रिपल ई तो दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में बात किए थे एंड रजिस्टर्स का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीट कर दिए थे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन डेफिनेटली देख लीजिएगा तो प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जहाँ पर आपको मिलेगा एफ ट्रिपल ई प्ले का लिंक उस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएँगे प्ले में प्ले में आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पे आप लोग वन बाय वन क्लासेस को देखिएगा कोई भी क्लास स्किप मत करिए कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा कंसेप्ट को आप लोग वन बाय वन बारीकी से सीखे तो डेफिनेटली क्लासेस को आपको वन बाय वन देखना होगा ओके तो चलो वहाँ से देख लीजिएगा बाकी आज हम लोग बात करेंगे इंडक्टर एंड इंडक्टेंस के बारे में इंडक्टर एंड इंडक्टेंस ठीक है इंडक्टर एंड इंडक्टेंस तो दोस्तों ये जो इंडक्टर होता है ये आपका एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या फिर पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था एक्टिव एंड पैसिव तो पैसिव में आता आता है इंडक्टर ठीक है तो इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंपोनेंट ठीक है? अच्छा एंटी होगा पे। इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड दैट इज यूज दैट इज यूज ये कहाँ पे यूज होता है दैट इज यूज मोस्टली इन पावर यूज मोस्टली इन पावर सप्लाई सर्किट्स पावर सप्लाई सर्किट्स ठीक है तो पावर सप्लाई सर्किट्स में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एंड क्या करता है ये क्या करता है टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी टू स्टोर एनर्जी इन द form of in the form of magnetic energy. Take okay? magnetic energy when electricity is applied to it. When electricity is applied to it. Take okay? तो ये जो इंडक्टर है ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है एंड ज़्यादातर ये पावर सप्लाई सर्किट्स में यूज किया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ओके एंड ये क्या करता है ये आपका एनर्जी को जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तब ये एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर कर लेता है एंड इसका काम क्या होता है ये करंट के चेंजेस को रजिस्ट करता है ओके okay? दिस डिवाइस या फिर दिस कंपोनेंट कंपोनेंट ही लिखते हैं तो बेहतर रहेगा कंपोनेंट दिस कंपोनेंट रजिस्ट रजिस्ट एनी चेंजेस एनी चेंजेस इन करंट फ्लोइंग थ्रू एट ठीक है मान लेते हैं ये हमारा एक इंडक्टर है दैट इज द इंडक्टर ओके okay, इंडक्टर कैसा दिखता है मैं वो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा सपोज दिस इज़ आवर इंडक्टर ओके ये एक कंपोनेंट है दिस इज इंडक्टर अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई ठीक है ओके okay, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है एंड ये करंट आपका क्या है इनपुट करंट क्योंकि ये इधर से जाएगा इसके थ्रू उधर जाएगा ठीक है ये है आपका आउटपुट दिस इज आई आई एंड दिस इज आई ओ तो इस करंट में इस करंट में अगर फ्लैक्चुएट होता है इसका वैल्यू अगर घटता है बढ़ता है मतलब अप डाउन अप डाउन होता है तो फिर ये इंडक्टर क्या करेगा इस चेंज को वो रजिस्ट कर देगा एंड जो आउटपुट सप्लाई दे रहा था वो आपका यूनिफॉर्म सप्लाई देता रहेगा मतलब यहाँ पे अगर आई आई जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है या फिर आई आई जो है आपका वो डिक्रीज हो जाता है आउटपुट जो सप्लाई रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा ठीक है यही होता है इंडक्टर का काम ओके okay? एंड इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस दिस प्रॉपर्टी दिस टेंडेंसी ऑफ द इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टेंस इंडक्टेंस बोले तो क्या द टेंडेंसी टू रजिस्ट द करंट रजिस्ट द चेंजेस चेंज या फिर रजिस्ट एनी चेंजेस इन करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टेंस इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टर्स बात समझ में आया इंडक्टर के जो इनपुट करंट है उसमें अगर अप-डाउन देखने को मिलता है चेंजेस देखने को मिलता है उस चेंजेस को इंडक्टर रजिस्ट कर देता है एंड एक यूनिफॉर्म करंट सप्लाई ये देता है सर्किट में सर्किट uh, में कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें अगर आप ज़्यादा करंट फ्लो कर देंगे या फिर कम करंट फ्लो कर देंगे तो वो नष्ट हो जाता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है वो डैमेज हो जाता है तो और उसी डैमेज को रोकने के लिए उसी आपका उसी नुकसान को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इंडक्टर यूज़ करते हैं ताकि करंट जो है वो आपका कंस्टेंटली यूनिफॉर्म रेट में फ्लो होता रहे एंड इसको हम लोग पावर सप्लाई सर्किट्स में यूज़ करते हैं तो जो सी है हमारा कंप्यूटर का सी सिस्टम है ठीक है उसमें देखिएगा कि एक एस लगा होता है एस ठीक है एस एम पी एस में एस एम पी एस के सर्किट अगर आप खोलेंगे तो आपको इंडक्टर देखने को मिलेगा क्योंकि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हमें जो करंट चाहिए वो यूनिफॉर्म करंट चाहिए अगर करंट में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है तो हमारा कंप्यूटर का जो सर्किट है कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो आपका नष्ट हो जाएगा इसीलिए एस एम पी एस लगाया जाता है एस एम पी एस में आपका इंडक्टर भी यूज़ किया जाता है ताकि करंट फ्लो होता रहे यूनिफॉर्म रेट में ठीक है चलो इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे बात यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड हम लोग अभी देख लेते हैं इंडक्टेंस का डेफिनेशन इंडक्टेंस का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है तो इसको जरूर लिखिएगा इस बात को भी आप लिखते रहिए सारी चीज़ों को लिखते रहिए क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा कोई भी पी प्रोवाइड नहीं कराने वाला जितना भी मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ इज सफ़िशेंट फॉर योर एग्ज़ाम ठीक है जितना भी मैं नोट यहाँ पर लिखाऊँगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफ़ियंट होगा एंड आपके पास अगर कोई किताब है कोई किताब है किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है ठीक है तो वहाँ से भी आप कुछ नोट्स को कलेक्ट करिएगा अपने नोट में ठीक है कुछ चीज़ों को वहाँ से भी आप कलेक्ट करके अपने कॉपी में लिख के रखिएगा ठीक है अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो क्या होता है कि कभी कभी हमसे भी कोई टॉपिक छूट जाता है कोई छोटे छोटे वर्ड वाइटल वर्ड्स इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है मिसिंग हो जाते हैं ओके तो हम हम तो कंप्यूटर नहीं है हम भी इंसान हैं गलती तो हो सकता है कोई चीज़ छूट सकता है तो आपको वो एडजस्ट करना है ठीक है खुद से आप किताब पढ़िए चलो अभी हम लोग क्या बताएंगे इंडक्टेंस का डेफिनेशन देखने वाले हैं तो इंडक्टेंस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे द टेंडेंसी टेंडेंसी द टेंडेंसी ऑफ एन इंडक्टर सॉरी अच्छा इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं द इंडक्टेंस The inductance is the tendency of an inductor. Okay? Of an inductor. The inductance is the tendency of an inductor of the electrical conductor of the electrical conductor to resist any changes in the current in the current flowing through it. This is the definition of इंडक्टेंस द इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इंडक्टर और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू रेजिस्ट एनी चेंजेस टू रेजिस्ट एनी चेंजेस इन द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट करंट का चेंजेस को रोकने का रेजिस्ट करने का जो टेंडेंसी होता है इंडक्टर का उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंडक्टेंस कहते हैं बात समझ में आया बाकी बात तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं ऑलरेडी ठीक है तो आप फटाफट से इस डेफिनेशन को लिख लीजिए ठीक है फटाफट से इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए एंड इंडक्टेंस इज डेनोटेड बाय इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इंडक्टर इज डेनोटेड बाय डेनोटेड बाय एल कैपिटल एल से हम लोग इसको लिखते हैं कैपिटल एल बोले तो इंडक टेंस इंडक टेंस एंड कैपिटल एल का फॉर्मूला क्या है कैपिटल एल का फॉर्मूला है आपका एल इक्वल टू वी बाई डी आई डी टी अब ये डी आई क्या डी आई बाई डी टी क्या है इसको मैं समझाता हूँ फटाफट से आप इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको अभी अभी इरेज करने वाला हूँ आगे हम लोग इसको समझेंगे ठीक है यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस ठीक है एल इक्वल टू वी बाई डी आई बाई डी टी ओके चलो तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ बाकी आगे हम लोग देखते हैं अभी एंड दोस्तों क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो क्लासेस में रिस्पॉन्स कीजिएगा करें ओके लाइक कीजिए करें कमेंट कीजिए करें डेफिनेटली अपने क्लासमेट से शेयर कीजिए करें ओके तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे को भी हौसला मिलता है मोटिवेशन मिलता है आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है ठीक है आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए एनर्जी है जितना रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा उतना ही मैं एनर्जेटिक बनते जाऊंगा, ठीक है मतलब आप मुझे चार्ज करेंगे ओके आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे चार्ज करता है एंड मैं और भी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ ठीक ठीक है तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल इजिकल टू वी वाई डी आई बाई डी टी ठीक है ओके okay, अब ये आई क्या है आई को हम लोग जनरली क्या कहते हैं uh, आपका करंट कहते हैं ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट ठीक है ये करंट है एंड टी इज द टाइम ठीक है टी इज टाइम वी इज द क्या है वी इज आपका है वोल्टेज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है वोल्टेज पोटेंशियल पोटेंशियल लिखिएगा तो बेहतर रहेगा पोटेंशियल एंड सभी तो हो गया एल इज द इंडक्टेंस इंडक्टेंस ठीक है तो आई तो मैंने बता दिया कि आई क्या है आपका करंट डी इज टाइम वी इज वोल्टेज पोटेंशियल एल इज पे क्या है डी तो आई एंड डी टी तो डी आई डी आई जो है ये है आपका चेंज चेंज इन करंट ठीक है चेंज तो चेंज की जगह पे आप कुछ इस तरह से लिखिए इंस्टेंटेनियस चेंज ठीक है इंस्टेंटेनियस चेंज इंस्टेंटेनियस टेनियस चेंज इन करेंट ठीक है इन करेंट एंड डीटी क्या है इंस्टेंटेनियस टाइम जिस टाइम पे ये करंट आपका चेंज हुआ है ओके okay, तो ओवरऑल हमारे पास डी आई वाई डी टी क्या है रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट करेंट ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट कितने टाइम पे कितना करंट जो है वो चेंज होता है दिस इज आवर डी आई वाई डी टी तो सभी बातें जो है आप लोगों को पता चल चुका है अभी ओके okay? सभी बातें क्या है आप लोगों को पता चल गया है तो हम लोग अगर यहाँ से कोई न्यूमेरिकल पूछा जा, जाएगा तो फिर हम लोग डेफिनेटली क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे सभी का एंड इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें अगर इंडक्टेंस निकालना पूछा गया तो हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं वोल्टेज हमें दिया गया है डी दिया गया है डी दिया गया है तो डेफिनेटली हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है ओके okay, चलो आगे बात करते हैं हम लोग इसका यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस तो फॉर्मूला तो हम लोग ने देख लिए हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस तो देखो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को एनालाइज करेंगे चलो यूनिट देख लेते हैं यूनिट्स यूनिट्स ठीक है तो ये है इंडक्टेंस एंड ये आपका क्या है पोटेंशियल वोल्टेज तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं ठीक है एंड डी क्या है ये आपका है करंट करंट को, तो इन्स, तो को हम लोग किस से लिखते हैं एमपियर से लिखते हैं एंड डी टी बोलते ये इंस्टेंटेनियस टाइम तो इसको टाइम को हम लोग सेकेंड से ही लिखते हैं तो ओवरऑल हमारे पास क्या आता है देखो ओवर ओवरऑल हमारे पास आता है वोल्ट सेकेंड एंड पर एम्पियर वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ठीक है एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं हेनरी ओके तो ऐसा यूनिट सिंपली अगर ऐसा यूनिट होगा तो ये है आपका हेनरी या फिर इसको हम लोग स्प्लिट uh, करके लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ओके याद रखिएगा व्हाट इज द ऐसा ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस दिस इज आपका हेनरी हेनरी को H कैपिटल H से लिखा जाता है कैपिटल H ठीक है या फिर आपको ये यूनिट भी दिया जा सकता है आपको थोड़ा सा आ, क्या कंफ्यूज करने के लिए वोल्ट सेकंड पर एंपियर मतलब वही आपका क्या होता है हेनरी होता है ठीक है ओके एंड अगर हम लोग ये तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया अगर यहीं पे बात करें मैग्नेटिक सर्किट में तो मैग्नेटिक सर्किट में इंडक्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं वेबर पर एम्पेयर ठीक है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे ठीक है फिजिक्स में पढ़ेंगे एंड आपका इसमें है कि नहीं मुझे पता नहीं ठीक है अगर होता है तो वहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक इंडक्टेंस को पढ़ने वाले हैं तो उसका यूनिट है आपका वेबर एम्पेयर ओके ठीक है चलो अभी चले जाते हैं हम लोग क्या वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज एकरोस इंडक्टर इतना तो आप लोग लिख चुके हैं ठीक है थीके? इसको आगे ले जाते हैं अभी हम लोग अभी देखेंगे वोल्टेज एक्रोस इंडक्टर तो एक इंडक्टर के वोल्टेज क्या होता है दोनों साइड में वोल्टेज का कितना डिफरेंस होता है क्या वोल्टेज होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो वो देखेंगे चलो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग इंडक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हाउ वी ड्रॉ द सिंबल ऑफ इंडक्टर तो इंडक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं इंडक्टर इंडक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं ठीक है और दिस इज आवर इंडक्टर ओके दिस इज आवर इंडक्टर ठीक है ना रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किए थे हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किए थे कुछ ऐसे ड्रॉ किए थे ठीक है अब ये इंडक्टर को हम लोग ऐसे इस सिंबल से जो है ड्रॉ करते हैं एंड आगे हम लोग टाइप और भी देखेंगे ये सिंपल आपका जैसे कि एयर कोर इंडक्टर हो गया इसके नीचे अगर हम लोग डबल ऐसे डैश मार देते हैं तो ये साइन हो गया आपका क्या आयरन कोर इंडक्टर ओके यहाँ पे अगर हम लोग डॉटेड डैसेज देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या फेराइट को इंडक्टर ठीक है एंड ये ना करके हम लोग अगर ऐसे एक एरो मार देते हैं यहाँ पर तो यह है आपका वेरिएबल कोर इंडक्टर ठीक है तो लेकिन आ, यहाँ पे आप लोग सिर्फ इसको याद रखिए दैट इज दैट इज़ द इंडक्टर सेम सिम्बल फॉर इंडक्टर ठीक है जब हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे इंडक्टर का तब हम लोग आगे सभी टाइप के अलग अलग सिम्बल देखेंगे ओके फिलहाल इंडक्टर का कॉमन जो सिम्बल होता है वो आपका ये सिम्बल होता है ये वाला नहीं ये वाला तो रेजिस्टेंस का था चलो हो गया साइन इसका हो गया सिम्बल देख लिया आप लोगों ने सिम्बल को ड्रॉ कर लिया तो आगे हम लोग अभी देखेंगे वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर तो इंडक्टर के दोनों साइड वोल्टेज का क्या डिफरेंस रहता है, है वोल्टेज वोल्टेज एक्रॉस एंड इंडक्टर ठीक है वोल्टेज एक्रॉस एंड इंडक्टर तो देखो ये हमारे पास एक इंडक्टर है दैट इज द इंडक्टर ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी तो ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वोल्टेज का क्या डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे तो वो निकालने का फार्मूला डायरेक्ट है हमारे पास हमारे पास फार्मूला क्या था इंडक्टर का फॉर्मूला एल इजिकल टू वी डी आई बाई डी टी तो यहाँ से आप लोग वी का वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हैं तो सिंपली आप क्या कीजिए वी इजिकल टू एल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है डी आई बाई डी टी ओके तो ये हमारा हो गया वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला ठीक है अभी यहाँ पर हमारे अगर ये सारी चीज़ों का वैल्यू पता होगा तो हम लोग डेफिनेटली वोल्टेज को जो है निकाल पाएंगे तो ये सभी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो सभी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ठीक है इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फ्रेश नोट कॉपी बनाइए कॉपी बनाइए ठीक है जहाँ पर आप लोग सभी चीज़ों को देख के लिख के रख सकते हैं ओके चलो तो ये हो गया हमारा क्या वोल्टेज अभी हम लोग करंट को भी देख लेते हैं करंट एकरोस इंडक्टर या फिर करंट थ्रो इंडक्टर करंट करंट ऑफ एन इंडक्टर तो एक इंडक्टर के भीतर क्या करंट रहता है उसका फॉर्मूला क्या होगा डेफिनेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या है एल इजिकल टू वी वाई डी आई बाई डी टी ठीक है डी आई बाई डी टी तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे डी आई निकालना है डी आई बाई डी टी इजिकल टू क्या रहेगा वी बाई एल रहेगा ठीक है वी बाई एल रहेगा सिर्फ हमें आई का वैल्यू निकालना है ओके आई का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग डी आई को रखेंगे इधर एंड इधर वी वाई एल एंड डी टी इधर चला जाएगा अभी डी को हटाना है तो फिर इंटीग्रेशन करना होगा डेफिनेटली इंटीग्रेशन करना होगा ठीक है ना इंटीग्रेशन अगर करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें इसका फॉर्मूला वी डी टी प्लस क्या मिलेगा आई टी ओ ठीक है आई टी ओ, ओके, आई टी ओ, अभी कौन सा चीज क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं ठीक है कौन सा चीज क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं आप इसको नोट में लिख के रहिए ये है हमारा फॉर्मूला ITO. अभी आई टी ओ क्या है उसको भी समझाता हूं वी भी क्या है वी वोल्टेज across across and across the inductor across the inductor ठीक है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड ये है इंडक्टेंस इंडक्टेंस ये हो गया इंडक्टेंस देन वी का वैल्यू हम लोगों ने देख लिए हैं एल का वैल्यू देख लिए हैं आई क्या है आई आपका है आई डेफिनेटली आपका करंट है ठीक है आई क्या है करंट ओके एंड एंड डी आई डीटी डी टी तो जानते हैं आप लोग डी आई डीटी डी टी क्या है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस चेंज इन करेंट ठीक है या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हम लोग इसको लिख सकते हैं एक ही बात है इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट एंड जो आई टी ओ है वो आपका है करेंट एट टाइम जीरो I टी ओ टू करंट ऑफ द इंडक्टर एट टाइम इजगल टू ज़ीरो जब टाइम आपका जीरो था मतलब बिगेनिंग पे आ, उस इंडक्टर का करंट कितना था वो उसका वैल्यू है I T O या फिर I t zero ठीक है I t zero ठीक है समझ में आया सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा दी है कौन सा टर्म क्या है तो आप लोगों को अभी पता चल गया है तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको उतना ज़्यादा पेचीदा नहीं दिया जाएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजल नहीं दिया जाएगा घुमा फिरा के नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट आपको बताया जाएगा कि करंट क्या है ये आपका इंस्टेंटेनियस चेंज है इतना टाइम में इतना करंट चेंज हुआ है ठीक है एंड टी जीरो में कितना करंट था तो आप अभी क्या कीजिएगा कि करंट ऑफ द इंडक्टर निकालिए अगर इसका वोल्टेज ये है तो ठीक है तो सारी चीजें आपको दुआ दिया जाएगा सिर्फ आपको क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है एंड सारे वैल्यूज को पुट करके आपको कैलकुलेट करना है बस इतना सा काम आप लोगों को करना है इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ठीक है ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आपको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं ओके लेकिन जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक सब्जेक्ट मिलेगा अगर आप लोग इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट पे है तो ठीक है तब जाके आप लोगों को ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया जाएगा इसी सब फॉर्मूला से ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इंडक्टर ठीक है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर तो इंडक्टर हम लोगों ने देखा था इंडक्टर का डेफिनेशन इंडक्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है ठीक है जब हम लोग उसमें करंट अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई करते हैं किसी भी इंडक्टर में तो वो क्या करता है एनर्जी को आपका मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर कर करके रखता है तो वो कितना स्टोर कर करके रखता है वो कैसे निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है ये हो गया आपका एनर्जी एंड दिस इज द हाफ एल एंड आई ठीक है हाफ एल आई सॉरी आई का यहाँ पे स्क्वायर होगा ठीक है एल आई स्क्वायर दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला ठीक है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है तो आपको ये ये फॉर्मूला काम पर देगा यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ई फॉर एनर्जी एल फॉर इंडक्टेंस एंड आई फॉर द करेंट ठीक है ओके okay, सभी चीज़ आप लोग जान चुके हैं ई e क्या है अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ ई इज़ एनर्जी एल इज इंडक्टेंस एंड आई इज़ द करेंट ओके करंट इन एम्पियर ठीक है ये सभी आपका एस SI में रहेगा तो एस SI में अगर हम लोग देखेंगे एस SI में इसका यूनिट जूल है एंड एल का यूनिट हेनरी पे रहेगा एंड आई का यूनिट आपका एम्पियर पे रहेगा ठीक है ओके एम्पियर पे रहेगा ओके ठीक है चलो तो अब तो हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडक्टेंस है इंडक्टर के भीतर वो कौन से कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है

तो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट फैक्टर द सेप ऑफ द कोयल ठीक है द शेप ऑफ द कोल द कोयल तो जो कोयल हम लोग बनाएंगे उसका सेप कैसा है उसका सेप सर्कुलर है पैराबोलिक है एलिप्स है ठीक है या फिर आपका रेक्टेंगुलर है ट्रायंगुलर है तो ये जो हम लोग कॉयल बनाएंगे इंडक्टर का कॉयल ठीक है ऐसे ऐसे जो कॉल बनाएंगे उसका अगर सर्कुलर शेप है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका इंडक्टेंस हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं ऐसा राउंड राउंड करके रेक्टेंगल बना सकते हैं ठीक है ट्राइंगल भी बना सकते हैं ऐसे कॉयल बना सकते हैं तो उसके सेप कॉल का जो सेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंडक्टेंस क्या होगा फर्स्ट फर्स्ट फैक्टर ठीक है सेकेंड फैक्टर क्या है आपका द नंबर ऑफ टर्न्स द नंबर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार हम लोगों ने उसको क्या किए हैं उसको हम लोगों ने लपेटा है ओके जैसे कि आपका ये एक बार हो गया ठीक है ये एक टर्न हो गया दूसरा टर्न तीसरा टर्न चौथा टर्न पाँचवा टर्न छठा टर्न सातवा आठवा नवा दसवा ठीक है ऐसे जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड ऑबियसली एंड ऑबियसली एंड ऑल्सो नंबर ऑफ़ लेयर्स नंबर ऑफ लेयर्स ठीक है तो देखो हम लोग इसके ऊपर लेयर भी चरा सकते हैं देखो ये हमारा एक लेयर कंप्लीट हो गया इसके ऊपर क्या करते हैं इसके ऊपर हम लोगों ने फिर एक लेयर बनाया फिर एक लेयर बना के फिर ऐसे हम लोगों ने टर्न किया है ठीक है एक लेयर हो गया ये हमारा फिर हम लोगों ने क्या किया ये दूसरा लेयर हो गया तीसरा लेयर फिर हम लोगों ने ऐसे उसको टर्न दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑल्सो नंबर ऑफ़ लेयर्स तो लेयर्स के ऊपर भी टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका इंडक्टेंस क्या रहेगा ओके okay, ठीक है चलो इसको इरेज कर देता हूं अभी तीसरे फैक्टर पे चले आते हैं फटाफट से देखेंगे तीसरा फैक्टर हमारा क्या है तीसरा फैक्टर है द स्पेस द स्पेस स्पेस गिवन बिटवीन द टर्न्स बिटवीन द टर्न्स टर्न्स ठीक है तो एक के एक के बाद दूसरा टर्न हम लोग जब देंगे तो उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है उसके उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंडक्टेंस जैसे कि ये मैंने एक टर्न दिया देन उसके बाद यहाँ पे एक टर्न दिया फिर यहाँ पे एक टर्न दिया तीसरा तो इसका स्पेस इस, इस देखो वो बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं स्पेस बहुत ही कम रखते हैं तो इसका इंडक्टेंस अलग होगा इसका इंडक्टेंस जो है वो अलग होगा ठीक है द स्पेस गिवेन बिटवीन द टर्न्स इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ओके एंड एंड एक और चीज चौथा क्या है दर्मिबिलिटी द परमियाबिलिटी ऑफ द कोर ठीक है अब ये कोर चीज क्या है इसको समझते हैं ठीक है ठीके? देखो जैसे कभी कभी किसी किसी इंडक्टर पे Uh, आपका कोर लगाया जाता है जैसे कि एक आपका ये इंसुलेटेड मटेरियल है दिस इज इंसुलेटेड मटेरियल या आपका किसी एक मटेरियल का सिलेंडर शेप का एक कोर है ठीक है ओके okay, कोर इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे तार को टर्न करेंगे ऐसे तार को अगर हम लोग टर्न करेंगे तो इस कोर का जो परमिबिलिटी होगा परमिबिलिटी बोले तो इसके थ्रू जो आपका फ्लक्स जाएगा ठीक है उसका उसको हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी जैसे कि कंडक्टर के केस में होता है कंडक्टिविटी जितना इजीली वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी uh, को चार्ज को वो ट्रांसफ़र कर देता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी जितना इजीली करेगा उसका कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा तो ऐसे ही इस कोर के थ्रू आपका क्या पास होगा इस इंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जनरेट हो रहा है वो आपका पास होगा ठीक है ओके okay, तो वो जितना इजीली पास होगा उसका परमेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा तो उस परमेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होगा तो हम लोग इस परमेबिलिटी चीज़ को जो है वो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में डिस्कस करेंगे ठीक है मैग्नेटिक सर्किट में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए परमेबिलिटी क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ठीक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका कितना ईजिली पास हो रहा है दैट इज द परमानेबिलिटी ठीक है ओके परमानेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है मैग्नेटिक प्लस जो है ज़्यादा ईजिली पास होगा तो कम है तो फिर कम पास होगा ओके okay, तो कोर का जितना जैसा परमानेबिलिटी रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका इंडक्टेंस ठीक है चलो नेक्स्ट बात फाइनल ये है फाइनल द साइज ऑफ द कोर द साइज साइज ऑफ द कोर कोर का साइज कैसा होगा कितना होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंडक्टर तो दिस आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिपेंड्स अपन ठीक है सभी फैक्टर्स को आप लोग लिख लीजिए सभी फैक्टर्स को एक एक करके लिखिए याद रखिएगा सभी फैक्टर्स को ठीक है चलो अभी इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टर को डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स ठीक है टाइप्स ऑफ इंडक्टर टाइप्स ऑफ इंडक्टर बहुत ही मजेदार है टाइप्स टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स टाइप ऑफ इंडक्टर्स तो सबसे पहला सबसे पहला टाइप है एयर कोर इंडक्टर एयर कोर इंडक्टर ठीक है एयर कोर इंडक्टर ये जो कोर है इस इंडक्टर का वो है आपका एयर तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे दैट इज द क्या आपका ये है एक इंडक्टर ठीक है एंड इसके बीच में आपका कुछ भी नहीं है ये बिल्कुल आपका खाली है दिस इज एयर कोर इंडक्टर क्योंकि ये कोर आपका इस जगह पे प्लेस होता है ठीक है इस जगह पर प्लेस होता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे हवा है तो इसको हम लोग कहते हैं एयर कोर इंडक्टर ठीक है ओके तो अगर आप एयर कोर इंडक्टर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सर्च करना होगा एयर कोर इंडक्टर बोल के ठीक है तो आपको कुछ फिगर ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है अदरवाइज मैं आपको वीडियो के एंड पे वीडियो के जस्ट एंड पे आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कौन सा आपका इंडक्टर है फिलहाल आप लोग जान लीजिए एयर कोर इंडक्टर में क्या होता है एयर इज द इंडक्ट एयर इज द कोर ठीक है चलो अब ये जो यूज होता है आपका एयर कोर इंडक्टर पे यूज होता है यूज इन ऑडियो ऑडियो सर्किट्स सर्किट्स और ऑडियो एम्पलीफायर्स ठीक है ऑडियो एम्पलीफायर्स या फिर ऑडियो इक्विपमेंट आप लोगों ने अगर एफ एम रेडियो देखा होगा ठीक है पुराने जमाने का रेडियो उसको खोलिएगा ठीक है उसमें एक सर्किट उसमें जो सर्किट रहेगा उसमें आप देखिएगा कि कुछ इस तरह के इस तरह के आपको कॉयल देखने को मिल रहा है ठीक है कुछ इस तरह के जस्ट कॉयल आपको सर्किट में ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है और भी कंपोनेंट रहेगा तो कुछ इस तरह के कॉयल आपको देखने को मिलेगा यही कॉयल होता है आप क्या एयर कोर इंडक्टर ठीक है चलो अब उसके बाद अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयरन कोर इंडक्टर आयरन कोर इंडक्टर दूसरा टाइप दैट इज आयरन कोर इंडक्टर आयरन कोर इंडक्टर किसे कहते हैं आयरन कोर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोर होगा वो आयरन से बना होगा ठीक है वो आपका आयरन का होगा जैसे कि आप लोग ऐसा ट्रांसफार्मर ठीक है जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें देखिएगा जो कोर uh, होता है वो आयरन का होता है ना ठीक है तो उसी तरह का आयरन से अगर कोर को बनाया जाता है जैसे कि आपका एक आयरन का ऐसे एक रिंग बनाया गया है दिस इज़ द रिंग ठीक है इसको ऐसे रिंग बनाया गया है एंड इस रिंग के चारों ओर आपका क्या किया गया है ऐसे इसको ऐसे ऐसे करके क्या किया गया है इसको ऐसे टर्न किया गया है ठीक है ऐसे लपेटा गया है एंड यहाँ पे एक टर्मिनल निकला है तो इधर भी एक टर्मिनल निकलेगा दो टर्मिनल निकलेगा ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये आपका आयरन का आयरन रिंग है ठीक है आयरन रिंग एंड ये आपका है ओयर ठीक है ये ओयर एंड ये आयरन रिंग तो इस तरह के कोर को हम लोग कहते हैं क्या आयरन कोर इंडक्टर एंड ये भी आपका जनरली ऑडियो सर्किट में भी यूज होता है ऑडियो सर्किट में भी आपका इस होता है ठीक है ओके इट इज जनरली जनरली यूज इन ऑडियो एम्प्लीफायर्स बिकॉज इट हैज ई पावर एंड हाई इंडक्टेंस वैल्यू हाई इंडक्टेंस वैल्यू ठीक है ओके okay. तीसरा टाइप देख लेते हैं तीसरा टाइप क्या है आपका आयरन पाउडर्ड इंडक्टर आयरन पाउडर्ड इंडक्टर आयरन पाउडर्ड इंडक्टर ये तीसरा टाइप है आपका आयरन पाउडर इंडक्टर बिल्कुल ऐसा ही है सिर्फ यहाँ पे आयरन यूज ना करके यहाँ पे आयरन पाउडर का यहाँ पे यूज किया जाएगा आयरन पाउडर को दूसरे किसी मटेरियल के साथ क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है एंड उसको एक रिंग का शेप दिया जाता है ठीक है उसको एक रिंग का शेप दिया जाता है एंड ऐसे ही तार को लपेटा जाता है ठीक है वो होता है आपका आयरन कोर आयरन पाउडर इंडक्टर ठीक है ओके okay. या फिर आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को लेके हम लोग इस कोर को बनाते हैं आयरन ऑक्साइड के सहारे हम लोग बनाते हैं द कोर इज द कोर इज़ आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का कोर को बनाया जाता है आयरन ऑक्साइड से एंड यहाँ पे क्या होता है इस इंडक्टर पे आपका हाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्टोर हो सकता है ठीक है दिस कैन स्टोर हाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है चलो ओके ये हो गया हमारा आयरन पाउडर इंडक्टर वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है नेक्स्ट में चले जाते हैं हम लोग फेराइट कोर इंडक्टर ये वाला इंडक्टर आप लोगों ने जरूर देखा होगा डेफिनेटली देखा होगा अगर आपके घर में रेडियो फेडियो है तो फिर डेफिनेटली आप लोग देखिएगा ठीक है रेडियो का सर्किट खुलिएगा पुराने जमाने के जो रेडियो होते हैं उसमें ये आपका ज़्यादातर यूज होता था तो देखिए ये है आपका फेराइट कोर इंडक्टर फेराइट कोर इंडक्टर फेराइट कोर ये चौथा टाइप ठीक है फेराइट कोर इंडक्टर फेराइट कोर भी अब आपका दो तरह के होते हैं एक आपका सॉफ्ट फेराइट एंड हार्ड फेराइट ओके एंड इस फेराइट uh, क्या है अभी देखो फेराइट एक मटेरियल है ठीक है फेराइट को बनाया जाता है एक कंपाउंड ठीक है फेराइट एक एक्चुअली कंपाउंड है आयरन आयरन रहता है इसमें ऑक्सीजन भी रहता है आयरन का ही एक ऑक्साइड है तो ये फेराइट एक्चुअली क्या है फेराइट इज द फेराइट चलो फेराइट भी लिखने फेराइट इज द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ टू ओ फोर ठीक है यहाँ पे x time, x नंबर ऑफ इतना रहता है ठीक है x क्या है यहाँ पे x आपका रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन मटेरियल कितना ट्रांजिशन मटेरियल जो हम लोग ट्रांजिशन के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो इसके साथ एक और मटेरियल को यूज़ किया जाता है उसको हम लोग x यहाँ पे नाम देंगे तो वो डिपेंड करता है कि कौन हम लोग ट्रांजिशन मटेरियल uh, को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक्स का सिंबल लगा देंगे जो भी हम लोग uh, जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये होता है हमारा फेराइट का कंपोजिशन फेराइट का जो होता है ये आपका दो टाइप होता है सॉफ्ट एंड दूसरा होता है हार्ड हार्ड सॉफ्ट फेराइट इंडक्टर ठीक है एंड हार्ड फेराइट इंडक्टर ठीक है दो तरह के होता है एंड uh, ये जो हार्ड फेराइट होते हैं हार्ड फ्राइट ये आपका परमानेंट मैग्नेट से बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट्स ओके एंड ये आपका सॉफ्ट फेराइट इन मटेरियल से बनाया जाता है ठीक है सॉफ्ट फ्राइल एंड जिस मटेरियल का बाईपोलरिटी रहता है मतलब वो पोल को चेंज कर सकता है पॉजिटिव नेगेटिव वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है मतलब पोल को चेंज कर सकता है उसी मटेरियल से सॉफ्ट फ्राइट इंडक्टर को यूज़ किया जाता है मतलब यहाँ पे एक्स जो है एक्स को ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिससे कि वो आपका बाईपोलर हो जाए ओके तो बाईपोलर बोले तो बाइपोलर मतलब उसी में आपका पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा वो आपको बनाया जाता है सॉफ्ट फेराइट इंडक्टर ठीक है चलो तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंडक्टर और एक चीज़ रह गया है फंक्शन ऑफ इंडक्टर फंक्शन, ठीक है तो क्लास फोर्टी वन मिनट ऑलरेडी हो चुका है ठीक है तो और एक ही टॉपिक बचा है शायद उसको भी ख़त्म कर देते हैं तो पूरा इंडक्टर जो है हमारा खत्म हो जाएगा एंड आगे जो भी कंपोनेंट्स है उसको हम उसको हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे सिर्फ कैपेसिटर को जो है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर उसको हम लोग थोड़ा सा डीप में स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हमें फिजिक्स में भी पढ़ना होगा फिर से तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में चले जाएंगे तो फिजिक्स में हम लोग उसको थोड़ा सा हल्के से ले सकते हैं दैट इज़ वाई कैपासी कैपासिटी एंड कैपेसिटेंस को यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ाने वाला हूँ जितना हमें ज़रूरत है उतना ही डीप ले जाऊँगा ठीक है चलो तो अभी बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ इंडक्टर फंक्शंस ऑफ इंडक्टर तो इंडक्टर का फंक्शन क्या होता है इंडक्टर इंडक्टर का काम क्या होता है हम लोगों ने देख लिए हैं तो इंडक्टर दो तरीके से दो प्राइमरी फंक्शन है इसका दो प्राइमरी फंक्शन है फर्स्ट वन इज टू कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल सिग्नल्स एंड दूसरा है टू स्टोर एनर्जी टू स्टोर एनर्जी ठीक है तो ये दो फंक्शन से काम करता है एक तो आपका सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है एंड दूसरा आपका क्या एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करता है एंड इसका मेन फंक्शन जो है वो आप लोग तो जानते होगा uh, क्या करंट uh, का जो चेंज है उसको रजिस्ट करना वो तो मेन फंक्शन हो गया एंड उसके अलावा भी ये आपका दो प्राइमरी फंक्शन है कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करता है एंड टू स्टोर एनर्जी देखो अब कंट्रोल को सिग्नल को कैसे कंट्रोल करता है किसी भी एक इंडक्टर के थ्रू किसी भी एक इंडक्टर के थ्रू अगर आप लोग हाई फ्रिक्वेंसी का हाई फ्रिक्वेंसी का क्या करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी का कोई भी करंट पास कराएंगे हाई फ्रीक्वेंसी करंट ठीक है तो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा रेजिस्टेंस 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 इज मोर ठीक है यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ठीक है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट को ईजिली पास नहीं होने देगा ओके लेकिन अगर बात करें लो फ्रिक्वेंसी करंट को लो फ्रिक्वेंसी करंट करंट तो एक इंडक्टर के थ्रू लो फ्रिक्वेंसी का करंट जो है वो इजीली पास हो जाएगा रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वो कम होगा तो ईज़िली आपका क्या लो फ्रिक्वेंसी करंट पास हो सकता है तो हाई फ्रिक्वेंसी करंट का एग्जाम्पल है ए सी एंड इसका है आपका डी सी तो हम लोग मान सकते हैं कि एक इंडक्टर के थ्रू हम लोग ए सी को ब्लॉक करके सिर्फ डी सी को पास करा सकते हैं ठीक है तो इसको इंडक्टर को हम लोग इट कैन सो इट कैन बी इट कैन बी यूज टू ब्लॉक ए सी सॉरी ए सी को कैपिटल ए सी से लिखना होगा ए सी सिग्नल्स तो ए सी सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए क्या किया जाएगा इसका यूज किया जा सकता है ठीक है इसका यूज किया जा सकता है ओके ठीक है चलो यहाँ पे एंड लो फ्रिक्वेंसी करंट इसको वो ईज़िली पास करा देगा तो हम लोग फिल्टर करने के लिए सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए भी क्या कर सकते हैं इंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं कि हमें सिर्फ ए सी करंट चाहिए एंड सॉरी uh, हमें सिर्फ डी सी करंट चाहिए ए सी करंट ना फ्लो हो तो बेहतर रहेगा तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे इंडक्टर का यूज़ करेंगे वो ए सी को ब्लॉक कर देगा एंड डी सी को पास कराएगा ठीक है तो हमें डीसी ही मिलेगा एसी आने का कोई चांसेस नहीं है तो हमारा जो इक्विपमेंट है बाकी जो कंपोनेंट है सर्किट में वो आपका सेफ रहेगा ठीक है ना तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन क्या है सेकेंड फंक्शन मस्ट भी आपका ये एनर्जी को स्टोर करता है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं एनर्जी को स्टोर करके ये क्या करता है किस किस फॉर्म में स्टोर करता है ये एनर्जी को आपका मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है ठीक है तो स्टोर एनर्जी इंडक्टर इंडक्टर इंडक्टर्स कैन स्टोर एनर्जी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इन द इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी ठीक है मैग्नेटिक एनर्जी ओके तो देखो एक ऐसा हम लोग एक ऐसा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं तो दस इज़ मान लेते हैं ये हमारा प्लस माइनस ये टर्मिनल्स है ये वोल्टेज सोर्स है ठीक है एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसे इंडक्टर लगा दिए हैं एयर कोर इंडक्टर एंड इधर पे हम लोगों ने आपका क्या लगाए हैं एक बल्ब लगाए हैं ठीक है एक बल्ब लगाए हैं दिस इज आवर बल्ब ओके okay, यहाँ से हम लोग पास कराए यहाँ से हम लोग करंट देंगे यहाँ से करंट जाएगा ठीक है ओके okay. एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा डिस्टर्बिंग स्विच रखते हैं ठीक है जिससे कि हम लोग करंट को फ्लैक्चुएट करा सके करंट को अप डाउन करा सके तो यहाँ पे हम लोग करंट कंट्रोल करने के लिए कोई एक डिवाइस लगाए हैं कोई एक इक्विपमेंट लगाए हैं तो देखो अभी हम लोग करंट को नॉर्मल यूनिफॉर्म रेट में फ्लो होते दें होने देंगे तो क्या करेगा ये जो इन इंडक्टर्स है ये जो इंडक्टर है ये इस एनर्जी को इस करंट को यहाँ पे क्या करेगा एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में आपका स्टोर करके रखेगा ठीक है ये आपका स्टोर करके रखेगा एंड बल्ब जो है वो ग्लो होगा बल्ब जो है वो ग्लो होगा वो जलेगा बल्ब ठीक है अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डिवाइस को हम लोगों ने ऑन कर दिए हैं अब करंट जो है करंट अभी ऐसे ऐसे ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट कर दिए हैं ओके okay, ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट कर दिए हैं तो ये जो इंडक्टर है ये जो इंडक्टर यहाँ पे हम लोगों ने लगाए हैं ये तो एनर्जी को स्टोर करके रखा है तो इस ड्रॉप डाउन को वो इस फ्लैक्चुएसन को वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है वो उसको देगा ठीक है वो उसको देगा ताकि ये जो है ये सेम ही अमाउंट पे ग्लो होता रहे सेम करंट यहाँ तक पहुँचे ठीक है सेम करंट यहाँ तक पहुँचे आपका तो ये होता है दूसरा फंक्शन टू स्टोर एनर्जी एनर्जी को स्टोर करता है एंड कैसे काम करता है इस फ्लैक्चुएसन को रोकने के लिए ठीक है तो मैंने इसको सिंपल तरीके से समझाया आप लोगों को ओके चलो तो यह था हमारा फंक्शन एंड एंड और क्या रह गया और क्या रह गया रुको थोड़ा सा याद कर लेता हूँ और क्या रहेगा अच्छा अच्छा कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि आपका जो सेम्बल होता है अलग अलग इंडक्टर के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग अभी क्या कीजिएगा जहाँ पे आप लोगों ने एयर कोर इंडक्टर को लिखा है एयर कोर इंडक्टर ठीक है एयर कोर इंडक्टर उसके पास में आप इसका सिंबल लिख लीजिए ये सिंबल है इंडक्टर का एयर कोर इंडक्टर देन उसके बाद आयरन कोर इंडक्टर आयरन कोर इंडक्टर का सिंबल क्या है आयरन कोर इंडक्टर का सिंबल दिस इज लाइक आवर इंडक्टर ओके सिंपल सा इंडक्टर एंड इसके ऊपर हम लोगों ने क्या दो लाइन ऐसे डॉट कर दिए हैं तो ये हो गया हमारा आयरन कोर देन उसके बाद फेराइट कोर को देख लेते हैं फेराइट कोर फेराइट कोर फेराइट कोर में क्या होता है ऐसे ये आपका तो इंडक्टर हो गया ठीक है ये आपका इंडक्टर ऐसे इंडक्टर हो गया ये इंडक्टर हो गया ठीक है ओके एंड इसके ऊपर आपको ऐसे डबल डैश देना है दिस इज़ आवर फेराइट कोर इंडक्टर ठीक है एंड एक और टाइप जो मैंने नहीं डिस्कस किए हैं वो है वेरिएबल वेरिएबल इंडक्टर वेरिएबल इंडक्टर ठीक है वेरिएबल इंडक्टर कैसा होता है ठीक है एक एरो रहेगा इसमें वेरिएबल इंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग इंडक्टेंस को उसके एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इंडक्टेंस को जो है हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी को हम लोग वेरिएबल इंडक्टर कहते हैं ठीक है ठीके? ओके तो ये सिंबल हो गया चारों सिंबल आप लोग फटाफट से लिख लीजिएगा चारों सिंबल को आप लोग याद रखना है क्योंकि कभी अगर सर्किट में आपको ऐसे दिया जाता है सिंबल तो फिर आपको फट से समझ आना समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सा इंडक्टर है कौन सा इंडक्टर यूज़ हुआ है यहाँ पर ठीक है या फिर आपको साइन ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है डेफिनेटली पूछा जा सकता है कोई कुछ भी पूछा जा सकता है चलो अब अभी हम लोग क्या करेंगे कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स देख लेते हैं ठीक है कंबिनेशन कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर ठीक है तो एक कम्बिनेशन हो सकता है आपका सीरीज में सीरीज कम्बिनेशन सीरीज कंबिनेशन ठीक है ओके एंड दूसरा हो सकता है क्या पैरेलल कंबिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओके सीरीज कंबिनेशन में क्या केस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे इंडक्टर को जोड़ेंगे और दिस इज पॉइंट ए यहाँ पे एक इंडक्टर दिस इज़ आवर इंडक्टर यहाँ पे पॉइंट बी एक यहाँ पे हम लोगों ने फिर इंडक्टर लिए हैं दिस इज़ आवर पॉइंट सी एंड तीसरा इंडक्टर ऐसे अगर हम लोग जोड़ते हैं दिस इज कॉल्ड सीरीज सीरीज ठीक है ये आपका क्या है सीरीज यहाँ पे ही लिख देता हूँ चलो ये सीरीज हो गया सीरीज ऐसे हम लोग करते हैं तो सीरीज के केस में ये मान लेते हैं एल वन इसका इंडक्टेंस है एल टू इसका इंडक्टेंस है एल थ्री इस इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है एल वन इसका है एल टू एंड इसका है एल थ्री तो हमारे पास कम्बिनेशन क्या आएगा कम्बाइंड इंडक्टेंस क्या आएगा सीरीज के, के केस में हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे एल थ्री ओके दिस इज़ आवर फॉर्मूला एंड जितना भी ऐसे इंडक्टर आपका सीरीज में रहेगा उसको हम लोग ऐसे जोड़ते जाएंगे प्लस एल एन तक ठीक है एन नंबर ऑफ इंडक्टर अगर सीरीज में है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कुछ भी नहीं जैसे कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस के केस में निकाला था रेजिस्टेंस अगर आपका सीरीज में है तो हम लोगों ने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर ऐसे करके निकाला था ओके okay, बिल्कुल वैसा ही इंडक्टेंस का भी आपका कम्बिनेशन है ठीक है तो पैरल की बात करते हैं पैरल पैरल में क्या होता है पैरल पैरल में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं ये आपका एक इंडक्टर हो गया एल वन ठीक है दूसरा इंडक्टर दिस इज़ एल टू ओके okay, तीसरा इंडक्टर लेते हैं दिस इज एल थ्री ओके ये तीनों ऐसे जोड़ दिया गया है यहाँ से ऐसे टर्मिनल निकाला गया है ठीक है देखो तीनों क्या है आपका पैरल में है ये ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट तो इन दैट केस वट विल बी द कम्बिनेशन इंड इंडक्टेंस ओके यहाँ पे कम्बिनेशन या फिर रिजल्टेंट इंडक्टेंस क्या होगा आपका यहाँ पे ये आपका कुछ ऐसा होगा फॉर्मूला वन बाई एलिकल टू वन बाई एल प्लस वन बिल्कुल रजिस्टेंस जैसा प्लस एल वन बाई एल एंड इस तरह से अगर ज़्यादा है एन नंबर तक है तो एल एन दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पैरल कम्बिनेशन ठीक है ओके दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पैरल कम्बिनेशन ओके ठीक है तो न्यूमेरिकल मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है बहुत हो चुका है इसको हम लोग बाद में न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है फिलहाल आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखिए ओके ठीक है चलो तो क्लास को यही पेन करेंगे ठीक है एंड आई थिंक कोई टॉपिक छूट गया कोई टॉपिक अच्छा एक टॉपिक और भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं ठीक है कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे रिएक्टेंस रिएक्टेंस रिएस ऑफ द इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर रिएक्टेंस अब ये रिएक्टेंस क्या होता है ठीक है इसको पहले ही डिस्कस कर कर देना था लेकिन ये आपका छूट गया था चलो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ इंडक्टर टू ऑल्टरनेटिंग करेंट ठीक है इंडक्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ इंडक्टर टू अल्टरनेटिंग करेंट देखो एक इंडक्टर के थ्रू इंडक्टर के थ्रू अगर आप लोग एसी को पास कराएंगे ठीक है तो एसी को रोकने के लिए आपका ये ऑपोजिट जो ऑपोजिट जो इंडक्टेंस है ठीक है ऑपोजिट जो इंडक्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं रिएक्टेंस कहते हैं ओके जैसे कि मैंने कहा कि इंडक्टेंस के थ्रू आप हाई फ्रिक्वेंसी जो करंट है उसको फ्लो नहीं करा सकते ठीक है जैसे कि आपका ए हो गया हाई फ्रिक्वेंसी करंट तो उसको आप फ्लो नहीं करा सकते क्यों क्योंकि यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस है ठीक है एक आपका ऑपोजिट एक प्रॉपर्टी है जो कि इसको रोकता है ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिएक्टेंस जो कि ऑल्टरनेटिव करंट को एसी को रोकता है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे द ऑपोजिशन द ऑपोजिशन

ओके okay, जैसे कि हम लोग रेज, रेजिस्टेंस के केस में देखा था ठीक है इधर से हम लोग क्या कराएंगे चार्ज को पास कराएंगे चार्ज पास कराएंगे तो ये आपका क्या देगा एक ऑपोजिशन देगा इसको रोकने की कोशिश करेगा वैसे ही इंडक्टर के थ्रू अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी करंट को पास कराएंगे ऑल्टरनेटिव करंट को पास कराएंगे तो ये भी एक ऑपोजिट फोर्स देगा ठीक है ऑपोजिट फोर्स देगा इसको रोकने के लिए एंड दिस ऑपोजिशन इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है एंड इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बहुत ही फॉर्मूला सिंपल है तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स एल से ओके एक्स एल इज़ इक्वल टू ये होगा आपका ओमेगा एल ठीक है ये होगा आपका ओमेगा एल एंड दिस इज़ टू पाई ओमेगा का मतलब क्या है ओमेगा का फॉर्मूला टू पाई टू पाई एंड फ्रीकुंसी एल ठीक है टू पाई एफ एल ठीक है तो यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ फॉर्मूला आप लोग फटाफट से याद रखिएगा ठीक है फॉर्मूला जो है फटाफट से याद रखिएगा इसका एंड uh, यहाँ पे uh, जो आपका एक्सेल है एक्सेल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके एंड उसके बाद आपका आता है क्या एफ आता है एफ आता है आपका फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी फ्री क्वेंसी ठीक है जो भी करंट आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है एफ एंड एल इज द एल एल क्या है एल तो आप लोग जानते हैं एल इज़ द इंडक्टेंस इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर ठीक है इंडक्टर इन इन किस में हैं में ठीक है इन हैंड्री सॉरी यार इन हैंड्री ठीक है तो ये हो गया हमारा क्या एंड अगर आप पूछेंगे कि रिएक्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या है तो यूनिट ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट ऑल्सो इसका ओहम है ठीक है ओहम ऑल्सो इसका ऐसा यूनिट क्या है ओहम है ठीक है रेजिस्टेंस के जैसे ही हम लोग इसको मेजर करते हैं ओहम से ही मेजर करते हैं जस्ट लाइक रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस की जैसे ही प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस आपका चार्ज को रजिस्ट कर रहा था यहाँ पे ये एसी करंट को रजिस्ट करेगा ओके okay, इसी इसी को हम लोग अपोजिशन को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस तो दोस्तों क्लास को जो है हम लोग यही पे इन हैं तो इंडक्ट इंडक्ट इंडक्टेंस के बारे में या फिर इंडक्टर के बारे में जितना भी बात था हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं आगे सिर्फ बचा है सिर्फ न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करेंगे लेकिन आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर ओके आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर वी विल डिस्कस वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है चलो तो आज का क्लास हम लोग यही पेन करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी के बारे में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड जैसे कि कहा नोट आप खुद से बनाइएगा ठीक है मैं पी डी एफ कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला आप यहाँ से जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ वो उस चीज़ को आप पहले रफ नोट में लिखिए एंड आपके पास अगर किताब है तो उस रफ नोट को देखिए एंड किताब से जो डेफिनेशन आपको मिला है जो बातें मिल रहा है दोनों को कंबाइन करके दोनों को मर्ज करके आप खुद से अपना फ्रेश नोट बना सकते हैं ठीक है ओके एंड आई थिंक मैं जितना भी करा रहा हूँ इज मोर देन सफिशियंट ठीक है जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ आप इतना भी लिखते हैं तो आपका जो uh, काम है वो बन जाएगा ठीक है चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच